गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आप कैसे हैं? अभी बढ़िया हूँ। आप ये कैसे मैं तो अच्छी हूँ, आप सब अच्छे हो ना? हैं? देखो आज आपसे कोई मिलने आया है। बंदर और एक और बंदर ये क्यों दिखा रही हूँ मैं, पता है आपको? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जानते हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या लिखा है बताओ? भारी हल्का, और वेरी दूर पास, दूर गुड। पास। अब ये दोनों भाई दोस्त हैं, आप मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है? काला वाला भारी और काला भूरा वाला भारी है और ये लाल वाला कैसा लग रहा है? दुबला पतला हल्का है ना? और क्या काला वाला हाँ, और ये वाला हल्का, सफेदा। इसलिए वो दुखी है क्योंकि खाता पीता है लेकिन खुश नहीं रहता है, और काला वाला भालू खा पी के खूब खुश रहता है। देखो इज वेरी हैप्पी, देखा आपने? तो आप मुझे बताइए, आपके घर में भी तो कई चीजें होती हैं जो कुछ हल्की होती हैं कुछ भारी होती हैं, ये क्या है? सॉफ्ट सॉफ्ट रूई यानी कपास, देखा है आपने घर में? देखा है आपने? ये क्या है? अच्छा, इन दोनों में बताओ कौन सा हल्का है कौन सा भारी है? वाला हल्का ये जो चाय का बॉक्स है ये है भारी और ये है हल्का। आप मुझे ये बताओ कि क्या है? फूल। और फूल और गाड़ी में कौन भारी और कौन हल्का? भारी ओके, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ ये तो बहुत बड़ी है, ये तो ऑयल टैंकर है। अच्छा ये भारी है कि ये भारी है? छोटी वाला सी कार हल्की है और ऑयल टैंकर बहुत भारी है, देखो। और बताइए आपके पास तो बहुत सारे बॉल होते हैं ना? ये आपके बॉल हैं, बड़ा है वाला बड़ा वाला भारी ऑरेंज कलर वाला भारी है और ये वाला हल्का है ना? अब मेरे पास दोनों एक जैसे इंजन हैं, ये देखो, देख रहे हैं? और छोटा ये देखो, अब मुझे बताओ कौन हल्का कौन भारी होगा इनमें से? रेड और येलो वाला हाँ, हल्का है और रेड और ब्लू वाला अरे सिंपल सी बात है, जो छोटा वाला है वो है हल्का और जो बड़ा वाला है वो है भारी, भारी है। है ना? और जो भारी चीज होती है हमेशा नीचे जाती है, देख रहे हैं? ये हम क्यों सीख रहे हैं जानते हैं आप? बताऊंगी मैं आप लोगों को। आप दूर पास की बात आती है कि कोई चीज दूर है कोई पास है, तो आप मुझे ये बताओ जब कोई चीज हमारे नजदीक होती है वो हमें पास दिखाई देती है। जैसे मैंने ये गाड़ी देखो आपके पास रखी और ये पीछे ये दूर है, देख रहे हैं आप? ये पीली वाले इंजन आपके नजदीक आ रही है, ये लो 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 लो, और ये वाली दूर है ना? ये मेरा लाल बंदर बहुत नौटी है, ठीक है? और ये काला बंदर शांत है। अच्छा बताओ दूर कौन है? वेरी बंदर गुड, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आज हमने क्या करना है? आज हमने करना है आपका पेज, देखो पेज नंबर
69 यानी 69 और हम करने जा रहे हैं भारी हल्का और साथ में दूर और पास, ये दो पेज हैं, देखे हैं आपने, आज हम ये करने जा रहे हैं। और ये करना इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी है कि हम ये समझे भारी चीज क्या है, हल्की चीज क्या है, दूर और पास क्या क्या है ना। तो चलें क्लासरूम की तरफ। यस। चलिए तो आज आप लोगों की क्लास में हम करने जा रहे हैं पुनरावर्तन। ये हम कर चुके हैं बच्चों लेकिन हमें पुनरावर्तन करना है, तो जरा हम इसको साइड कर देते हैं और आपकी क्लास स्टार्ट होती है। क्या लिखा है आज का सुविचार? फूलों की तरह महको, यानी हम ऐसा काम करें कि लोग हमारी तारीफ करें, अच्छी बातों को ध्यान रखें हमारी। जिस तरह से फूलों की खुशबू चारों तरफ फैलती है वैसे ही हमारी भी खुशबू चारों तरफ, हमारे अच्छे कामों की खुशबू चारों तरफ फैलनी चाहिए। आज का दिनांक है 10 मार्च 2021, दिन है बुधवार और महीना है मार्च का। कक्षा है आपकी पहली और विषय क्या है बच्चों? गणित। वेरी गुड। और आज हम क्या कर रहे हैं? पास, दूर, हल्का और भारी। क्या है ये हमारा? पुनरावर्तन। यस। अब देखो आपके चित्र में कितने सारे हल्के लोग हैं, कितने सारे भारी लोग हैं, बताओ। बहुत सारे है ना यहाँ पे जानवर। yes. बंदर और इस चिड़िया में ये तोता है, इसमें हल्का कौन है भारी कौन है भाई? तोता हल्का है और बंदर भारी है। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ ये जो मेंढक है ये हल्का है या ये सांप हल्का है? ये मेंढक हल्का है, ये सांप भारी है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट। ओहो ये बंदर देखो, आज तो पूरे बंदर वाला दिन है। ये सीसॉ है जिसमें आप लोग भी खेलते हो ना, तो जो भारी होता है वो नीचे गिर जाता है। तो अब यहाँ पे बंदर मामा और केले में भारी कौन है? बंदर मामा। बिल्कुल। ये तो आपका दोस्त है ना? बंदर मामा बहुत भारी है, केला हल्का है। हाँ अब बताओ। अब ये दोनों हाथी और चींटी दोस्त हैं। इन्होंने कहा चलो हम खेलते हैं, तो बताओ कौन भारी? हाथी भारी, भारी हो गया। तो देखो ये नीचे आ गया, चींटी बेचारी हल्की फुल्की है तो ऊपर ही रह गई। तो हल्की चीज हमेशा ऊपर की तरफ आती है और भारी चीज हमेशा नीचे की तरफ आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो कटहल खाते हैं आप लोग? कटहल खाते कि नहीं खाते हैं? खाते। कटहल घर में आता है? आप लोग उठाते हो कि नहीं उठाते हो? आता। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पे एक पत्ता है और ये है कटहल। आप बताइए हल्का कौन? ये पत्ता हल्का, ये कटहल भारी। वेरी नाइस। मेरे सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ वहाँ नहीं करेंगे, मैं देख रही हूँ आप लोगों को। बिल्कुल। अब आप बताइए ये है मोर का पंख। अक्सर हम अपनी किताबों में भी रखते हैं और कितना सुंदर है, देखो कितने सारे रंग हैं। और ये है सिलेंडर, आपका घर का चूल्हा इसी की वजह से तो जलता है ना? हाँ। तो ये बताओ आप उठा पाते हैं उसको सिलेंडर को? उठाते हो? क्योंकि सिलेंडर बहुत भारी होता है। और पंख को आप अपनी किताब में रखते हो क्योंकि पंख क्या है बोलो? बहुत हल्का। वेरी नाइस। ओहो ये देखो ये है फायर इंजन,
फायर इंजन। ये क्या होता है बताओ? बुझाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, फायर इंजन हमारी सुरक्षा के लिए है। कहीं आग लग जाती है या कोई कहीं फंस जाता है तो ये जो होती है ना फायर इंजन में बैठ के फायर फाइटर जो होते हैं वहां के जो फायर फाइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, समय पे आते हैं। बिल्कुल। और ये फूल है हल्का फुल्का, आप उठा लेते हैं उसे, तो दोनों में भारी है फायर इंजन। अब आप मुझे बताओगे इसमें आप मुझे जो हल्की चीज है, ये वैन है ये कार है, दोनों में से आपके हिसाब से कौन हल्का होगा? कार। हमने कार को सकल कर दिया, कार हल्की है। ये है खरगोश, ये है गैया गाय। अब बताओ दोनों में हल्की किसको आप उठा सकते हो बताओ? खरगोश। नहीं, रोहन ने तो कहा कि वो गाय को उठा सकता है ना रोहन? खरगोश को आप उठा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि खरगोश है हल्का। रोहन ने तो कहा कि मैं तो गाय को उठा सकता हूँ, है ना रोहन? गर्दन हिलाओ। अच्छा, ये है ताला और ये है चाबी। आप मुझे बताओ हल्का कौन है? चाबी चाबी होती है, ताला हल्का है। ताला हल्का है, चाबी और ताले में हल्का कौन होगा? चाबी। है सेब और ये है तरबूज, बताओ हल्का कौन? लेकिन अस्मिता ने तो कहा कि तरबूज हल्का है, मैं तो आराम से उठा सकती हूँ। हाँ अस्मिता, हाँ अच्छा। और ये बताओ प्रतिभा ने कहा अरे सेब हल्का होता है इसलिए मैं इसको पकड़ के गप गप खा जाती हूँ, है ना प्रतिभा? हाँ, तो हल्का है सेब, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं ना सीसो, तो कौन ऊपर कौन नीचे? लड़का ऊपर है लड़की नीचे। मतलब क्या हुआ? हाँ, तो इसमें इसका मतलब लड़की है भारी इसलिए उनकी आ गई। और इन दोनों में से एक है मोटू एक है पतलू, अब बता मोटू कौन है? मोटू वाला है, ये वाला पहला वाला दूसरा वाला पतला। बिल्कुल, ये है मोटू। बिल्कुल, लेकिन देखो दोनों दोस्त हैं, दोनों कितने खुश हैं। तो हमें एक दूसरे के आकार से नहीं बल्कि अपने स्वभाव की वजह से दोस्ती करनी चाहिए। अब बताओ इनमें से भारी कौन, हाथी या चूहा? हाँ, शिष्टि ने कहा कि मैं तो हाथी को उठा सकती हूँ, है ना शिष्टि? तो हाथी है भारी, चूहा है हल्का। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि ये दो पेन है, दो पेन है ना, दोनों पेन में से हल्की कौन सी है जिसको पकड़ने में आपको आसानी होगी? नीलोफर को नीली रंग की पेन बहुत अच्छी लगी ये वाली, तो वो तो भारी रहेगी। तो क्या नीलोफर इसे लिख पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेन है भारी। और नीति ने कहा कि ये वाली अच्छी है भाई, ये पतली दुबली है और मैं इससे लिख सकती हूँ क्योंकि ये वाली पेन है हल्की। हाँ, अब मुझे बताओ जो भारी है ना उस पे हमें टिक मार्क करना है। अब ये देखो ये वजन उठाने वाले हैं, yes, है ना, पहलवान उठाते हैं इसे। और yes, ये है पंख, दोनों में भारी कौन है बताओ? पहलवान। ये है टॉर्च, ये है मशीन, प्रिंटिंग मशीन, बताओ हल्का कौन? मशीन।
चलती है। अब इन दोनों में मैं देखो मिक्स पूछ रही हूँ, ये घड़ी है ये बैग है, दोनों में हल्का कौन? घड़ी। घड़ी। वेरी गुड। ये किताब कॉपी है, डायरी है सॉरी, और ये है आपका रबर। बताओ दोनों में भारी कौन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, ये है तरबूज और ये है सेब, भारी कौन? तरबूज। ये है चाबी, ये है ताला, हल्का कौन? चाबी। गुड जॉब। नेक्स्ट, इसको आप बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये आपके समझने की चीज है। जब हम दुकान में जाते हैं और हमें फल चाहिए, 1 किलो 2 किलो जितने भी, तो ये देखो ये वजन नापने की मशीन है, ठीक है। ये कद्दू कितना है बताओ? बिल्कुल सही। और ये सेब कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 चार। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों को वजन की मशीन में रखा हुआ है, और ये वजन की मशीन देखो कैसे दिखाई दे रही है, ऊपर नीचे दिखाई दे रही है? नीचे और ऊपर वाला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कांटा देखो नीचे ही है, दोनों एक जैसे हैं, यानी इस वक्त दोनों का वजन बराबर है। दोनों का वजन क्या है? आपने सीसॉ में देखा ना, हाथी नीचे चींटी ऊपर, यस। लेकिन यहाँ पे क्या ये दोनों चीजें ऊपर नीचे दिखाई दे रही हैं आपको? यहाँ पे बैंगन है 2 और नींबू है 4। अब आप मुझे बताओ दोनों का वजन कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक ऊपर नीचे। कहाँ ऊपर नीचे बेटा, आप ध्यान से देखो ना, ये देखो बराबर बराबर है, यानी इस वक्त दोनों का वजन बराबर है। 2 बैंगन और 4 नींबू, लेकिन वजन उनका बराबर है। आपको यही तो समझना है, आपको दुकानदार बेवकूफ बना देगा अगर आप ये नहीं समझे। ये है स्टार फ्रूट्स, कितने हैं ये? 4। और ये है शिमला मिर्च, ये है 2। बताओ दोनों को अलग अलग इसमें रखा गया है, दोनों का वजन आपको कैसा लग रहा है? बराबर। अब समझे आप लोग? अब यहाँ पे देखो, ये 3 केले हैं और ये 4 पेड़ हैं, 3 और 4। वजन में देखिए तो दोनों को बराबर है। आप समझे? ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कम या ज्यादा हो, कभी कभी चीजें बराबर भी होती हैं। अभी हल्की वस्तु में चिन्ह लगाओ, ये है स्ट्रॉबेरी और ये है तरबूज। हल्की है। वेरी गुड। ये है कुर्सी और ये है सोफा, हल्का कौन? कुर्सी। हाँ, कुर्सी। कुर्सी। ये है बहुत सारी सब्जियां और ये है गुब्बारा, गुब्बारे हैं। अब हल्का कौन? गुब्बारा। गुब्बारे। ये है बेड और ये है आपका ये पलंग है, और ये है क्या है बताओ? पंख। दोनों में हल्का कौन? अच्छा। अब यहाँ पे देखो, इसे भी बताओ। खरगोश हल्का है। खरगोश हल्का है। खरगोश हल्का है। और इन दोनों में कौन हल्का है? मेंढक हल्का है। इन दोनों में कौन हल्का है? गिलहरी। इन दोनों में कौन हल्का है बताओ? चूहा। है ना? आगे देखे आप, अब आ रहे हम दूर, पास और दूर। कुछ चीजें हमारे पास होती है, कुछ हमसे दूर होती हैं।
पास। अब बताओ ये एक नारियल का पेड़ है, पेड़ के पास कौन बैठी है बोलो? बिल्ली। बिल्ली पेड़ से दूर कौन है? चिड़िया। चिड़िया ध्यान से देखो, इन फूलों के पास कौन है? तितली। और दूर कौन है? हेलीकॉप्टर। आगे देखें, घर से घर के पास में कौन खड़ा है? लड़का। लड़का। और घर से दूर क्या है? बॉल। बॉल, वेरी गुड। एक लड़का पास में, बॉल दूर है। हाँ ये देखो जो हमारे नजदीक है ये वाला है पास का घर, और ये है दूर। दूर। अब देखो ये लड़की पेड़ के पास खड़ी है, और ये लड़की और ये पेड़ से खड़ा है। आगे अब बताओ कौन सा वाला टेंट जो है आपका नजदीक है, उसको टिक मार्क करना है? वाला दूर है। इन दोनों घरों में ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, कौन सा दूर है? दूर वाला। पास वाला घर ये है, इसको टिक मार्क कर दिया हमने। अभी हम पास वाले को ढूंढे, इन दोनों में पास कौन है? ये है, ये वाला है या ये वाला है? ये वाला। पहला वाला या दूसरा वाला? पहला। बिल्कुल पहला। पहला। अब आगे देखें, कौन सा दूर है उसको सर्कल करेंगे हम? पप्पी। पप्पी। ये वाला एक लड़की का डॉग दूर है, इसे सर्कल। हाँ ये देखो ये है लीना, उसका उसका जो पपी है ये दौड़ रहा है, तो ये है दूर। अब ये आ गया पास, है ना? पपी पास। हाँ पास आ गया। अब इसमें झाड़ के पास जो प्राणी है उसको गोल करो, तो बताओ झाड़ के पास कौन है? शेर। शेर। तो हमने इसको क्या कर दिया, गोल कर दिया भाई। आगे देखे अब बताओ आपके पास कौन दिखाई दे रहा है और दूर कौन खड़ा है? कछुआ पास दिख रहा है और खरगोश दूर दिख रहा है। हाँ तो हमने दूर वाले को टिक कर दिया भाई, तो तुम दूर हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नीली गाड़ी आपके नजदीक है, पास है या दूर है? पास है। और जो दूर है उसको आपको सर्कल करना है, तो सर्कल किसको करूं मैं, नीली वाली को या लाल वाली को? लाल। वेरी गुड, वेरी गुड। एक गाय पेड़ के नीचे खड़ी है, दूसरी गाय दूर खड़ी है, दूर वाली दिखाई दे रही है आपको? अरे मुझे दिखाई दे रही है, ये है। अच्छा ये बताओ इन दोनों बोट में नजदीक वाली बोट कौन सी है, उसको सर्कल करो? ये बड़ी वाली बोट। बड़ी वाली बोट पास है, इसलिए हमें बड़ी दिखाई दे रही है। ये दोनों ऊंट है, पास वाला ऊंट कहाँ पर है बताओ? ये पहले वाला। हाँ जो हमारे नजदीक है, जो बड़ा दिखाई दे रहा है, पहले वाला। हाँ बिल्कुल सही। अब ये लास्ट, इन दोनों में घर के नजदीक में आपको कोई दिखाई दे रहा है घर? ये जो घर है कौन सा वाला घर पास दिखाई दे रहा है बताओ, ये वाला या ये वाला? एक नंबर या दो नंबर? दो नंबर। ऐसे बोलो जो मेरे से जो बड़ा दिखाई दे रहा है चित्र, है ना? हाँ पहला वाला। पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, यहाँ पे सर्कल है। अच्छा यहाँ पे देखो ये दो नाव है, कौन सा नाव नजदीक दिखाई दे रहा है आपको, जो बड़ा है या जो छोटा दिखाई दे रहा है? दूर। दूसरा वाला। पास।
मैं दूर दूर राजकुमारी बताओ कौन सी वाली आपके पास दिखाई दे रही है, पहले नंबर वाली या दूसरे नंबर वाली? दूसरी। सामने दिखाई दे रही है दूसरी। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया आज, पास दूर हल्का और भारी, है ना? Yes. तो आज का हमारा ये होती है क्लास खत्म और हमने कर लिया ये काम पूरा आज का वर्कशीट। तो आपको मजा आया कि नहीं आया? तो आपको बंदर मामा कह रहे हैं बाय बाय। अब हम मिलेंगे शुक्रवार को, मिलेंगे ना? तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। टीचर कल छुट्टी है क्या?